हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो के साथ। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा हाउ टू डिस्कनेक्ट वाईफाई। आप अपने वाईफाई को कैसे डिस्कनेक्ट करें, या फिर अगर आपको डिस्कनेक्ट करना नहीं आ रहा है तो इस वीडियो देख के आप वही सीख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, हाउ टू डिस्कनेक्ट वाईफाई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास है टेक्नो का फ़ोन, जिसमें आपको सेटिंग्स करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिससे आप फॉलो करके अपने वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, हाउ टू डिस्कनेक्ट वाईफाई। सेटिंग्स पर आइए फ्रेंड्स। सेटिंग्स को स्क्रॉल करने के लिए इधर आपको वाईफाई वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इधर आएंगे। इधर आने के बाद देख सकते हैं आप, मेरे को मुकेश 5G नाम से मेरे फ़ोन में ऑलरेडी कनेक्ट है, तो मैं उसे डिस्कनेक्ट कैसे करूँगा। तो इधर टैप कीजिए। टैप करने के बाद इधर आपको वाईफाई की बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे स्ट्रेंथ उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, नेटवर्क यूसेज क्या है, प्राइवेसी, ऑटो कनेक्ट, ऐड डिवाइस भी दिख जाएगा इधर आपको फ्रेंड्स। इधर आपको आईपी एड्रेस भी दिख जाएगा, गेटवे भी दिख जाएगा, सब नेट मार्क भी दिख जाएगा, IPv6 एड्रेस भी मिल जाएगा इधर आपको, जो आईपी एड्रेस का दूसरी फॉर्म होती है। ठीक है, तो डिस्कनेक्ट करने के लिए हम नीचे आपको आइकन्स दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, ये तीन आइकन्स, फॉरगेट, डिस्कनेक्ट, शेयर, तीनों का मतलब एक ही होता है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो अभी मैं करूँगा, सॉरी फ्रेंड्स, शेयर का मतलब कुछ और ही होता है। तो अभी मुझे डिस्कनेक्ट करना है, तो इधर फॉरगेट पे क्लिक कर दी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा वाईफाई सक्सेसफुली डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह आप भी अपने वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।